जय हो खाटू नरेश जी। तो दोस्तों, हम लोग रंगीले राजस्थान से दिल्ली की ओर निकल रहे थे कि तभी हमें लगा कि खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके चलते हैं। कहते हैं कि जब बाबा तुझे बुलाएगा तो झटपट दौड़ा आएगा। बाबा जब याद करते हैं तो आपका मन नहीं मानता, खुद ही वहाँ दौड़े हुए पहुँचे। तो हम लोग रास्ते में एक जगह रुके, हमने थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लिया क्योंकि ड्राइवर साहब को नींद आ रही थी। काफ़ी दूर से ड्राइविंग करते हुए हम लोग आ रहे थे, तो हमने थोड़ी देर मनोरंजन किया ताकि उनकी आँखें खुली रहें। और हम सभी एक जगह ढाबा देख कर रुक गए और यहाँ पर हमने गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े और कुल्हड़ वाली चाय का आनंद लिया। ये ढाबा दोस्तों बिल्कुल देसी ढाबा है, अलवर में पड़ा था ये ढाबा। और यहाँ आप देख सकते हैं कढ़ाई में गर्मा गर्म पकौड़े हमारे सामने छाने जा रहे हैं। तो ये पकौड़े भैया ने हमें परोसे और ये कुल्हड़ में आप देख सकते हो एकदम गर्म गर्म चाय, और बारिश भी हो रही थी दोस्तों, तो चाय पीने का मज़ा दुगना हो गया। मन तो कर रहा था यहीं पे खटिया डालें और यहीं पे रात बिता लें, पर बाबा ने याद किया था तो हमने फटाफट पहले चाय की चुस्की ली और पकौड़े खाए। थोड़ी सी पेट पूजा जब हो गई तो वहाँ से हम लोग निकल दिए रिंगस की तरफ। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, पर हम लोग रिंगस के काफ़ी करीब आ गए और यहाँ से लेफ़्ट लिया हमने तो बाबा की नगरी में पहुँच गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं निशान चरोड दिखेंगे, जो कि वहाँ के जितने भी दुकान हैं, जितने भी भक्त हैं, उन सब का वहाँ पर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा था। सभी लोग काफ़ी उत्साहित थे, काफ़ी खुश थे, मौसम भी बहुत अच्छा था। यहाँ हमने ये गोलगप्पे वाले भैया थे, इनके पास थोड़ा सा फुल्की पानी का आनंद लिया और इनसे बातचीत में समझ भी लिया कि आगे किस तरफ जाना है, कैसे दरबार तक पहुंचना है। काफ़ी अच्छे थे गोलगप्पे। यहाँ से हम बाबा के दरबार की तरफ बढ़े। ये देख सकते हैं दोस्तों, मेन दरबार है जहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे थे, झमाझम नाच रहे थे, खुशी से झूम रहे थे। यहाँ पहुँचने की एक अलग खुशी होती है। और मान्यता है कि बाबा से आप जो भी मांगते हो सच्चे दिल से, और उसके बाद आप निरंतर प्रयास सच्ची भावना के साथ ज़रूर पूरा होगा। तो पूरा होने के बाद आप ये निशान लेकर बाबा के दरबार पर जाते हो। सो हम लोग चल दिए। काफ़ी भीड़ थी चारों दुकानों पर, भक्त लगे हुए थे, काफ़ी लोग प्रसाद ले रहे थे, फूलमाला ले रहे थे, बाबा को गुलाब का फूल चढ़ाने के लिए लोग ले रहे थे, कुछ लोग इत्र ले रहे थे। हमने भी कुछ प्रसाद वगैरह वहाँ बाज़ार से लिया। हालांकि अंदर जाके पता चला कि प्रसाद वहाँ आप चढ़ा नहीं सकते, केवल आपके दर्शन मात्र से वो प्रसाद बाबा को अर्पित हो जाता है जब आप उसको निष्ठा से और सच्ची भावना से बाबा के सामने उसको लेके प्रस्तुत होते। तो ये दोस्तों काफ़ी भीड़ थी, भक्तों की लाइनें लगी हुई थी। हम लोग आधे एक घंटे की कुछ मशक्क़त के बाद बाबा को याद करते हुए, ज़ोर ज़ोर से खाटू नरेश को याद करते हुए हर्षोल्लास के साथ दरबार तक पहुँच गए। और बाबा से हमने प्रार्थना की। आप देखेंगे ये दरबार है, यहाँ से भक्त अपनी तरफ से जो फूल लेके आए थे गुलाब के, वो बाबा के दरबार की ओर फेंक रहे हैं क्योंकि वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। हालांकि मुझे लगा फेंकना नहीं चाहिए, आपको उसे अर्पित करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बाबा का नाम लेके उस फूल को अपने साथ ले जा सकते हैं, बजाय कि उसको फेंकेंगे वो किसी के पैरों में आएगा। तो ये बाबा के दर्शन हो गए दोस्तों। जय हो खाटू नरेश की। सो इसी के साथ दोस्तों अब हम विदा लेंगे। आशा है आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा।